हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के क्या सिखाऊंगा, आप लोगों को मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकालना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, तो हम तो पूरा समझावे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग पूरा देखिए, समझाना मेरा काम है, समझ रहे हैं ना। अरे एनर्जी में आइए और पढ़ के जाइए, तभी तो कुछ बन पाइए गा। ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं आज संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर बात, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग उप कक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। आप लोग माइंडवा में बैठाइए, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर बा, हम लोग एक बात जानेंगे कि परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे। पहले हम लोग ये काटिंग कर लेते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है, और 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, आप लोग जानते हैं ना एक बार। अरे हम पूरा समझाएंगे गहराई से, इसलिए मैं आप लोग को पूरा गहराई से सिखाना चाहता हूं कि अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो किसी को समझाने में भी असफल नहीं होइएगा, ठीक है। 6d और 6d और 6f, देखिए आवर्त सात को होता है, इसलिए नीचे हम सात तक आएंगे, कह तक आएंगे सात तक, ठीक है, कह तक आएंगे सात तक। तो अब आ गया 7f। सबसे पहले नंबर बात, 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p या तब 3s, बात समझिएगा। और एक बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, s में 1 से 2 तक, p में 1 से 6 तक, d में 1 से 10 तक, f में 1 से 14 तक भरता है। ये s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, समझ रहे हैं ना। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, क्या दीजिएगा ध्यान, सो हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है 5, ठीक है, कार्बन का होता है 6, ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं आप लोग। और नाइट्रोजन का होता है 7, और ऑक्सीजन का होता है 8, और फ्लोरीन का होता है 9, और नियॉन का होता है 10। तो सबसे पहले नंबर बात, मैं आप लोगों को 10 तक क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इधर 11 तक मैं लिखूंगा, पहले 10 तक। इसमें जो है दो अक्रिय गैस है, एक हीलियम है और एक नियॉन है, ठीक है, नियॉन है। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोग इतना तक जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर बात, हाइड्रोजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है सो पूछेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमेशा कोर इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो अक्रिय गैस से स्टार्ट होगा, और आप लोगों को अक्रिय गैस यानी कि सभी चीज का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट, सॉरी आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और नीचे की ओर जाइए, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ होगा, बहुत बढ़िया समझाया हुआ है। पहले हम लोग इसको अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं यहां तक आता है कि नहीं, चलिए पूरा क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर बात, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले कौन में भरता है, तो 1s में, तो 1s का 1 से 2 तक, लेकिन यहां पर परमाणु संख्या कितना, एक, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आ गया, एक आ गया, बात समझ रहे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना गया, एक आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अक्रिय गैस को हम लोग छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं सो भी बताएंगे। अब लिथियम पर चलते हैं, क्योंकि जो भी निकलेगा इसी पर निकलेगा, किस पर निकलेगा, अक्रिय गैस पर, क्योंकि अक्रिय गैस पर ना तो अभिक्रिया करता है और नहीं अपना से की करो करने देता है, वैसा गैस है। लिथियम का हो गया परमाणु संख्या 3। अब देखिए 1s पहले भरेगा, तो 1s कह तक, तो 2 तक, ए में तो 3 है, तो 2 को भरवे करेगा,
अब किसका बारी आ गया, तब 2s के आ गया, तो हम लोग लिख दिए 2s। अब 2s तो लिख दिए है, 2s को लिख दिए हैं, लेकिन यहां पर कितना था 2, अब पुराना का है 3, तो इस पर 1 लिख दिए, यानी कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बाह्यतम कक्षा में, देखिए बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जबकि पहले वाला कक्षा में, ये तो बाह्यतम कक्षा में जो आ गया, बाहर में जाएगो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का एगो है तो एगो है। अब कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों अक्रिय गैस पर बैठता है, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जो अंदर में है सो कोर इलेक्ट्रॉन, बाहर में है सो बाह्यतम, क्योंकि अभी दो वाला में भर रहा है, दो वाला में कहां तक भरेगा, तो पी तक भरेगा, देख रहे हैं आप लोग, आप लोग पूरा देखिए, समझा रहा हूं मैं, सो देखिए। तो ये हो गया दो, यानी कि हो गया कोर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया दो गो इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर दो गो। अब देखिए आप लोग केवल समझिए, अब हम लोग बेरिलियम के बनाते हैं, तो बेरिलियम के परमाणु संख्या होता है 4, 1s2, 2s का लिखे, देखिए 2s है ना, अरे पहले 1s भर रहा है तब 2s, तब 2s लिख दिए, यहाँ 4 है तो s पर मैक्सिमम कै गो, एक से दुए गो ना, तो दो गो बैठा दिए मैक्सिमम, दो को बैठेगा। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर ये हो गया पहले वाला और ये हो गया बाहर वाला, क्योंकि पहला का तो पूरा भर गया, दूसरा का स्टार्ट है। तो देखिए आप लोग पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो इसमें हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया इसमें दो को इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गया कोर इलेक्ट्रॉन बराबर अंदर वाला, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर दो को इलेक्ट्रॉन, बात एकदम क्लियर है। देखिए अक्रिय गैस के दो होता है ना, तो हमेशा दुए पर आएगा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अक्रिय गैस पर कर सब तो 9 तक आएगा। फिर उसके बाद 5 नंबर में कौन है, तो 5 नंबर में बोरॉन है, तो बोरॉन में हम लोग चलते हैं, तो बोरॉन के 1s2 2s2 तो भरल है यहां तक। अब 2s के बाद किसका बारी आया है, तो 2p पर पहले गिरा है तो 2p लिखेंगे। अब 5 पुराना है तो 2 और 2 4 एक दे देंगे तो 5 आ गया। पहला का कक्षा भरल है, दूसरा में अपनी भर ही न रहा है, दूसरा के नहीं दोनों, तो देखिए ई दोनों के जोड़ का, ठीक है, ई दोनों के जोड़ का, और जे आ गया से संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 2 × 1 कैगो, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन। यही देखिए कैगो है कोर इलेक्ट्रॉन, कैगो है तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर कैगो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को यह कंफ्यूजन हट गया होगा कि कैसे कैसे बन रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अब बोरॉन हो गया तो कार्बन छोड़ देते हैं, अब डायरेक्ट आप लोगों को बड़का बड़का बनाना सिखाते हैं, फ्लोरीन के डायरेक्ट चलते हैं। अब फ्लोरीन के 9 हो गया, 9 के कैसे बनाए, 1s2 2s2, और 2 अभी पी में ना भर रहा है, पी में कब तक भरेगा, 6 तक ना, अरे 1 से 6 तक भरेगा, तो अभी तो यहाँ 1 गो भरा था, 5 गो था, देखिए 2 और 2 4, यहाँ कई पुराना है 9, तो इस पर 5, यहाँ पर मैक्सिमम 6 तक आएगा, लेकिन इसमें तो 5 भरा ना सकता है, तो 9 हो गया पहला काम में है। देखिए ये दोनों के जोड़िएगा तो 7 गो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 7 गो इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गो इलेक्ट्रॉन। अब तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, कॉन्फिडेंस एकदम बन जाएगा आप लोगों को इतना, और 9 तक तो आराम से बन जाएगा, 9 तक आप लोगों से बन जाएगा भाई साहब। अगर आप लोगों को नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा। अब अगला मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब देखिए अगला नियॉन के बाद होता है सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या 11, फिर उसके बाद मैग्नेशियम का होता है 12, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है 13, उसके बाद समझ रहे हैं, उसके बाद सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17, उसके बाद क्लोरीन हो गया, आर्गन का होता है 18, यानी कि अक्रिय गैस आ गया। अब हम लोग 18 से पहले वाला वर्ष निकालेंगे नियम तक, ठीक है, नियम तक एक यहां पर बता देता हूं मैं, क्या बताऊंगा सो देखिएगा आप लोग,
कि सोडियम का 11 होता है तो 1s2 और 2s2 और 2p6 समझ रहे हैं ना। अरे आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6 तो 10 को यहाँ पर पुराना का 11 गो का पूरा 2 और 2 4 और 6 10 को ना पूरा हमको पुराना का 11 को यानी कि 2p तक भर गया। 2p के बाद केकरा पर गिरा है 3s के ऊपर 3s1 3s1। अब बताइए पहला को भरिए गया, दूसर को भरिए गया, अभी तीसर का इधर है, दूसर को पूरा भर ना गया, दूसर के ना था, दूसर का पूरा भर ना गया, अब तीसर का में चल गया, तो ई वाला हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ई वाला हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर एगो इलेक्ट्रॉन। अब इधर जो है पूरा कितना हो गया तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर 10 गो इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों के बोले थे हम कि हमेशा कोर इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस पर आकर के ही रुकेगा, समझ रहे हैं ना। अरे आप लोग वैसे भी समझदार है, देखते ही आया है कि नहीं आया है, अगर आ गया होगा तो एक बार क्वेश्चन में एडजस्ट हम तक कहिए देंगे, आप लोग तो एडजस्ट हो ही जाइए। अब आप लोग कहिए कि न हम ई वाला न बनाए, हम ई वाला बनाए एल्यूमिनियम वाला, समझ रहे हैं ना। तो चलिए एल्यूमिनियम की हम बना देते हैं, सॉरी सिलिकॉन के बनाए थे एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम के बना देते हैं 13 सब बनाएंगे। अरे सब बनाएंगे, आप लोगों को हमको समझाना है, अरे हम समझाएंगे आपको। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के हो गया 13, तो 1s2 2s2 और 2p6 10 हो गया, उसका 2p के बाद कौन में भरा 3s में, तो 3s2 12 हो गया। अरे एस कै तक बीए तक ना, बीए तक। अच्छा अभी भर गया है तब तक एक बार सता सता कर तो 3p, तो 3p पर चल रहा है, तो 3p में देखिए कै को दे देंगे, जो 13 को पूछा गया यहाँ तक 12, तो एक दे दिए 13, अभी 6 तक जाता है, तो अभी 6 को थोड़ी ना बैठेंगे, 13 को तो पुराना है। तो देखिए 2 तक पूरा पूरा इन्हें भरल है, तीसरा का एन से बड़ा गड़बड़ है यानी कि खाली है, तो इन्हें देख रहे हैं ना 2 गो 1 गो 3 गो, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 3 गो। इधर बच गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर कै गो, 2 गो 2 4 गो 6 गो कै गो, 10 गो। देखते हैं अक्रिय गैस पर आ रहा है, सब अक्रिय गैस पर आएगा, हाँ अक्रिय गैस पर आएगा। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप लोग को मैं बता रहा हूं बार बार की शॉर्ट स्क्रीन जरूर लीजिएगा इसका, नहीं लीजिएगा तो टाइम घोच हो जाएगा, समझ रहे हैं, टाइम घोच हो जाएगा, तो ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और इसको आप लोग अपना कॉपी में जरूर बनाइए, ठीक है, ले लिए हैं, चलिए ठीक है बढ़िया है। आप लोग वैसे भी समझदार है, अरे आप लोग वैसे भी समझदार है, क्योंकि आप लोगों को निकालने आ गया है, अब क्या गया है निकालने, क्या गया निकालने दोस्तों, हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अब जो है हम लोग क्लोरीन के बना करके देख लेते हैं कि बड़का गो है क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कै नहीं बनेगा, 1s2 2s2 2p6 10 का पूरा है, फिर 3s2 है, 2p के बाद 3s ना, तो 3s2 हो गया, तो 3p के बारे, तो 3p अब कै गो लिखे तो यहाँ तक 12 17 पुराना है, तो 5 आ जैसी ये पर 6 हो जाएगा तो अक्रिय गैस ना हो जाएगा 18। तो देखिए दूसर का यहाँ तक पूरा भरल है, ये इन्हें आ गया, तो इधर आ गया, तो अब ध्यान दीजिए इधर वाला तो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन बराबर कै गो, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन, आ इधर वाला हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर आ गया 7 गो। अरे आप लोग तो समझदार हो गए हैं, अब एकदम बोलिए समझदार हो गए हैं। अब मन है कि फास्फोरस के बनावे के, तो चलिए 15 के बना देते हैं, हम 15 को हम ही बनाएंगे, अरे आप लोग काहे चिंता कर रहे हैं, हम ही बना देते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 2p6 3s, तो 3s2 का हो गया 12 हो गया, पुराना का है 15, तो 3p के बाद कथी है, 3s के बाद क्या है 3p, तो 3p कै लिखे 12 में, तो 3 15, अरे इन्ने करवा हो गया कथी 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। आ ई वाला जो है ना से ई हो गया ऐसे कह बड़का बड़का गो लिख,
संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 3 × 2 = 5 गो। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक और मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को कहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बंधन बनाने का सिखाऊंगा संयोजकता रूप से लुईस प्रतीक द्वारा, लुईस प्रतीक द्वारा। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दे, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक और बता देता हूं, सिलिकॉन के सल्फर के बता देता हूं। तो सल्फर के तरीका आसानी बता देता हूं, 16 तो 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, फिर इसके बाद 3p के बारी है, 3p ना, 3s जो भर गया है तो 3p पर ना गिरा है, तो कोई लिख दे तो 12 4 16। तो समझ रहे हैं इधर और समझ रहे हैं इधर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा, किसका, तो मैग्नेशियम का, किसका, मैग्नेशियम का, और एक और मैं दे रहा हूं आप लोगों को नाइट्रोजन का। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए भाई, कितना भी बड़का क्यों नहीं दे दे, हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल है। और देखिए जे में भर रहा है ब्लॉक, तो फॉस्फोरस पी ब्लॉक के है, सल्फर है ना तो सल्फरो पी ए ब्लॉक में आ गया है, जे में भरे वह ब्लॉक। अब देखिए क्लोरीन है, पी में भरा है तो वह ब्लॉक, जैसे में हम बता सकते हैं कि वह ब्लॉक, जे में भरे वह ब्लॉक। तो ध्यान दीजिए, अब बोरॉन है तो बोरॉन भर रहा था 1s2 2s2 4 में, तो कौन में भरा है, एस में, तो जे में भरे वह ब्लॉक। आवर्त कह में, तो जितना बाह्यतम कक्षा वह आवर्त, जितना बाह्यतम कक्षा वह आवर्त, जितना बाह्यतम कक्षा वह आवर्त, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस कौन सा आवर्त में है, तो तीसरका आवर्त में है, देख रहे हैं ना, तीसरका आवर्त में बाह्यतम कक्षा है, तीसरका आवर्त है, ब्लॉक कौन है, तो पी है, जे में भरे हुए ब्लॉक, बाह्यतम कक्षा जे रहेगा वह आवर्त, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि एक शेयर तो जरूर बनता है, समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।